ठीक है जी, आगे जी स्केल्टल मसल है। स्केल्टल मसल मेक द फ्लैश और मीट ऑफ एनिमल्स, के जो एनिमल्स के अंदर फ्लैश होता है, गोश्त होता है, वो स्केल्टल मसल की वजह से होता है। इन फ्रेश स्टेट इट हैज पिंक कलर, ताजा हालत में ये पिंक कलर होता है। इन स्केल्टल मसल द मसल फाइबर आर ग्रुप्ड इनटू बंडल्स कॉल्ड फैसिकुलाई, के इनके जो बंडल्स होते हैं मसल्स के, उन्हें फैसिकुलाई कहते हैं। स्केल्टल मसल फाइबर या सेल्स, सेल्स इसके किस किस्म के होते हैं, शेप इनकी कैसी होती है। द स्केल्टल मसल फाइबर आर सिलेंड्रिकल इन शेप, आप ये देख सकते हैं। दी एंड्स टैपरिंग और बीइंग समवट राउंडेड एट द जंक्शन ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स, के इनके जो किनारे होते हैं ये इस तरह से गोल होते हैं या आगे से दोनों साइडों से ऐसे टैपरिंग किए होते हैं, जहां से ये मसल एक दूसरे के साथ जुड़ रहे होते हैं या टेंडन्स के साथ जुड़ रहे होते हैं। इनकी सेल मेम्ब्रेन किस तरह की होती है, मसल्स से इसकी स्केल्टल मसल की सेल मेम्ब्रेन, इट इज एन ऑर्डिनरी ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन हैविंग द थिन कोटिंग ऑफ ग्लाइकोकेलेक्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, के इसकी एक जो बरूनी सरफेस होती है वो ग्लाइकोकेलेक्स की एक पॉलीसेक्राइड मटेरियल है उससे बनी होती है, और ये भी ट्राइलैमिनर मेम्ब्रेन है, तीन तरह पे मुश्तमिल मेम्ब्रेन इसकी होती है। न्यूक्लियाई, ईच फाइबर न्यूक्लियाई आर न्यूमेरियस, इसी तरह हर सेल में, हर फाइबर में काफी इसमें न्यूक्लियाई हो सकते हैं। साइटोप्लाज्म, जिसे सारकोप्लाज्म भी कहते हैं, स्केलेटल मसल में जो साइटोप्लाज्म होता है, इन रूटीन प्रिपेशन सारकोप्लाज्म इज सीन टू बी ऑक्यूपाइड मेनली बाय लॉन्ग सिलेंड्रिकल पैरेलल फिलामेंट्स ऑफ 1 to 3 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, जैसा इसमें पीछे हमने इसमें देखा जो स्मूथ मसल्स में कि इसमें फिलामेंट्स होते हैं, इसी तरह इसका जो स्केलेटल मसल का साइटोप्लाज्म है इसमें भी सिलेंड्रिकल पैरेलल फिलामेंट्स होते हैं जिनका साइज 1 to 3 माइक्रोमीटर होता है। दीज आर कॉल्ड मायोफिब्रल्स, इन्हें मायोफिब्रल्स भी कहते हैं। रिलेटिवली क्लियर सारकोप्लाज्म इज फाउंड अराउंड द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के गिर सारकोप्लाज्म जो होता है वो क्लियर होता है निस्बतन बीनीथ द सारकोलिमा मेम्ब्रेन के नीचे। सारकोलिमा मीन्स मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल, सेल्स जो सेल्स की मेम्ब्रेन होती है स्केलेटल मसल की, उन्हें सार्कोलिमा कहते हैं। इट कंटेन्स अ स्मॉल गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूमेरियस माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड सार्कोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्यू राइबोसोम्स। इनमें सेल्स के अंदर, जिस तरह बाकी सेल्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, तो इन सेल्स के अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स वगैरह होते हैं। अच्छा, राइबोसोम्स होते हैं। द सारकोप्लाज्म आल्सो कंटेन ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्म के अंदर आप ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स देख सकते हैं एंड अ फ्यू लिपिड ड्रॉपलेट्स, और इसी तरह चंद इसमें आपको लिपिड के ड्रॉपलेट नजर आ सकते हैं। मसल्स हैं हमारे, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लें कि ये आप इसमें फिलामेंट्स देख रहे हैं, हमने इसमें पढ़ा कि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें माइक्रो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है कि इसमें फिलामेंट्स लाइक इसमें होते हैं जिन्हें मायोफिब्रल्स कहते हैं, और इसमें एक जो फिलामेंट्स ये साइज में छोटे होते हैं
उसमें थिकनेस में पतले होते हैं और दूसरे ये कुछ इसमें मोटे होते हैं। ये जो बारीक वाले हैं साइज में इन्हें एक्टिन कहते हैं, और जो ये मोटे वाले फिलामेंट्स हैं इन्हें मायोसिन कहते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, जिससे सकड़ाव पैदा होता है, जिससे कंट्रैक्शन होती है और सेल जो है कंट्रैक्ट करता है और मसल जो है इसी तरह सेल सारे कंट्रैक्ट करेंगे तो एक बड़ी फोर्स पैदा होगी, सारा मसल जो है कंट्रैक्ट करेगा। तो ये कंट्रैक्ट कैसे करते हैं इसके बारे में जो थ्योरी है वो ये है कि अच्छा कुछ जो मसल्स हैं इनवॉलेंटरली वो कंट्रैक्ट करते हैं और कुछ हम वॉलेंटरली, जिसे हम अपनी अपने जेन से सोच कर हम उन्हें कंट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे हाथों के मसल्स हैं, हमारे कुछ जिस्म के स्केलेटल मसल जो हैं, जैसे पाँव के मसल हैं, जो हरकत हम खुद अपनी मर्जी से जिन्हें हरकत हम दे सकते हैं। और दूसरे जो मसल हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, उसमें कार्डियक मसल शामिल हैं, हमारा GIT का जो सिस्टम है उसके मसल जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा, इसमें जो ऑटोमेटिक जो हरकत कर रहे होते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट उनकी मसल की हो रही होती है, जैसे उन्हें स्मूथ मसल, उसमें कार्डियक मसल है और स्मूथ मसल आपको इंटेस्टाइन वगैरह जो उसमें शामिल हैं, तो वो इनवॉलंटरी उनकी मूवमेंट हो रही होती है कि वो हमारी मर्जी से नहीं हो रही होती, वो ऑटोमेटिक चल रहे होते हैं, हम सो भी जाए तो मतलब वो हरकत कर रहे होते हैं। लेकिन जो ये हमारे स्केलेटल मसल हैं, जैसे हमारे हाथ के मसल हैं, इन्हें हम अपनी मर्जी से इन्हें हरकत दे सकते हैं। जैसे ही हम सोचते हैं कि हमने मतलब ये हाथ को बंद करना है, मुट्ठी बंद करनी है, खोलनी है, तो इसे हम अपनी मर्जी से हरकत दे सकते हैं। अच्छा, ये हरकत कैसे करते हैं, मैकेनिज्म समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में मुख्तलिफ थेरीज हैं। एक थेरी ये है कि जब हम सोचते हैं तो कि मसल्स को हरकत देनी है, अपने हाथ को हरकत देनी है, तो हमारे ब्रेन से जो ये स्टिमुलाई आती है और इन मसल तक ये ब्रेन का मैसेज आता है मोटर न्यूरॉन्स के जरिए, तो वहां होता क्या है कि उसमें एसिटाइलकोलाइन जो है वो रिलीज होता है इन सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर। जैसे ही वो एसिटाइलकोलाइन रिलीज होगा तो हमारे मसल्स की ये कंट्रैक्ट, उसके लिए परमेबिलिटी, कैल्शियम के लिए, सोडियम के लिए उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है मसल्स के ऊपर, मसल्स के और एसिटाइलकोलाइन वहां रिलीज होती है, जहां वो नर्व फाइबर मसल के साथ अटैच हुआ होता है, वो सिग्नल जो है वो एसिटाइलकोलाइन रिलीज करता है। एसिटाइलकोलाइन क्या करता है कि मसल्स का जो फाइबर है, मसल्स के जो उसकी परमेबिलिटी है फाइबर की, सोडियम और कैल्शियम के लिए वो बढ़ जाती है। और कैल्शियम जो है जब इसमें इसके साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है, तो ये जो सेल्स हैं एक इनमें चार्ज समझने पैदा हो जाता है, एक एक्शन पोटेंशियल इसमें क्रिएट होता है। और इसके ऊपर ये आपको जो ये उभार से नजर आ रहे हैं मायोसिन के ऊपर, ये बारीक जो उभार नजर आ रहे होते हैं, ये इसे अटैच करते हैं, इसे कंट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा इन फिलामेंट्स के ऊपर मखसूस जो है वो चार्ज आ जाएगा और ये जो है उसे अट्रैक्ट करेंगे, ये उभार इसके साथ स्टैक करेंगे और उसे अट्रैक्ट करेंगे। एक किस्म का जैसे इसमें मकनातीसी कह लें, ये वो उसमें चार्ज साइज में पैदा हो जाता है और ये फिलामेंट्स एक दूसरे को फिर खींचते हैं। अच्छा, इसमें फिर ATP जो है एक एनर्जी इसमें यूज हो रही होती है, जो ATP है वो ADP में तब्दील हो रहा होता है, एक केमिकल है जिससे एनर्जी पैदा होती है ATP से। तो ATP जब ये इससे इसके साथ अटैच होगा तो इसे दोबारा वापस लाने में ATP कंज्यूम होगा, वो ADP में तब्दील हो जाएगा और मसल ये ऐसे एक दूसरे के साथ स्टक कर रहे होंगे और छोड़ रहे होंगे। तो ये मुसलसल एक सेकंड के अंदर कई दफा ये प्रोसेस जो है इस तरह चल रहा होता है और इस तरह मसल हमारा इंटरेक्ट कर रहा होता है।
ये इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म इसमें समझाने की कोशिश की है। आप इसमें गूगल में आप इसका मसल्स का कंट्रैक्शन मैकेनिज्म आप कर सकते हैं। तो आपके इसमें मैकेनिज्म है नहीं, लेकिन समझने के लिए एक आपके जहन में सवाल होना चाहिए कि ये मसल जो है ये हरकत कैसे कर रहे होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे जाके सेलुलर लेवल पे हरकत कैसे पैदा होती है। तो आप ये इसमें गूगल वगैरह उसमें आपको ये इसकी बकायदा इसमें उसमें क्या एनिमेशन की शक्ल में आपको ये समझाने के लिए आपको मिल जाएगा। आप मसल कंट्रैक्शन लिखेंगे तो मसल कैसे हरकत कर रहा होगा वो आपको वहां से पता चल सकता है। और ये जो मैंने थ्योरी आपको बताई ये कुछ दूसरी बुक्स हैं, बड़ी बुक्स है, गाइटन वगैरह से मैंने जो हाँ,